हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे यू हैव टू स्टडी अबाउट ट्रांसलेशन। इन ट्रांसलेशन यू हैव टू स्टडी यूज ऑफ इज एम आर। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द यूज ऑफ इज एम आर। इज यूज्ड विद ई सी ई एंड सिमिलर सब्जेक्ट। एम इज यूज्ड विद आई एंड आर इज यूज्ड विद यू वी दे और सिमिलर सब्जेक्ट। इसका प्रयोग ई सी ईट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग यू वी दे और प्लूरल के साथ होता है। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ इज एम आर यू हैव टू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश। फर्स्ट है, यह मेरी पुस्तक है। यह इसकी इंग्लिश दिस होता है, दिस सिंगुलर होता है, दिस दैट सिंगुलर होता है और दिस दोज प्लूरल होता है। तो दिस के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे इज, दिस इज और मेरी पुस्तक का हो जाएगा माई बुक, दिस इज माई बुक। वह तुम्हारी कलम है, वह के इंग्लिश दैट, दैट के साथ भी यूज करता है, दैट इज जो पेन। ये मेरी चाबियाँ, यहाँ प्लूरल हो गया तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे हर प्लूरल। दीज आर माई कीज हो जाएगा, की का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। वे तुम्हारी कुर्सियाँ हैं, वे के अंग्रेजी दोज, दोज के साथ भी आर लगेगा, दोज आर यो चेयर का प्लूरल हो जाएगा चेयर्स, दोज आर यो चेयर्स। वह एक लड़का है, यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही लगाएंगे ही, और ये लड़का है सिंगुलर है इसके साथ इज लगाएंगे, ही इज द बॉय। मैं डॉक्टर हूँ, आई, आई के साथ एम लगाना है, आई एम अ डॉक्टर। इन दिस वे टुडे यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सिक्स सेंटेंसेस। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।